हाय गाइस, आई एम वर्षा एंड वेलकम बैक टू वर्षा लाइफ स्टाइल। सो मैंने मित्रा से कुछ ट्राउज़र पैंट मंगवाए हैं एंड एक टॉप मंगवाया है। सो चलिए देखते हैं कि ये हमें कैसे रिसीव हुआ है। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इफ़ आप मेरे चैनल पे नए हो एंड आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो एंड आपको मेरे कलेक्शन पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सो चलिए हम बढ़ते हैं फर्स्ट पैंट की तरफ। ये फर्स्ट ट्राउज़र पैंट है एंड क्रॉप पैंट भी हम जिसे बोल सकते हैं, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। मैंने इसे वाइट कलर में परचेस किया है। सो इस तरह से यहाँ फ्रंट में, वेस्ट में इस तरह से इसमें बेल्ट मिलता है एंड बैक साइड में इस तरह से इलास्टिक मिलता है, आप देख सकते हो वीडियो में। सो मुझे तो यह पैंट काफ़ी पसंद आया। मैंने इसे 30 नंबर में मंगवाया है, आई मीन 30 साइज में मंगवाया है एंड इसमें साइड में इस तरह से जिप मिलती है, जो कि वियर करने पर बहुत कंफर्टेबल होती है एंड साथ में एक बटन भी मिलता है, जो थोड़ा सा वेस्ट में हम इफ़ लूज़ रहा तो उसे टाइट कर सकते हैं। सो इस तरह से ये पैंट है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कॉटन का पैंट है एंड स्ट्रेचेबल पैंट है एंड इसमें इस तरह से कटिंग दी गई हुई है। मैं इसे पहनकर दिखाऊंगी तो आपका आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरह का दिखता है। यह देखो, इस तरह से स्ट्रेचेबल है, जो मुझे काफ़ी पसंद आया एंड क्वालिटी भी मटेरियल की बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है। एंड ये मेरा सेकेंड पैंट है, आप देख सकते हो मरून कलर में है ये एंड इसमें भी सामने से प्लेन बेल्ट मिलता है हमें। ये कुछ इंडेबेली ब्रांड का है ये, इसे भी मैंने 30 नंबर में परचेस किया है बट ये मुझे फिर भी थोड़ा लूज़ आया है। सो प्योर कॉटन में है ये, कॉटन मटेरियल में है एंड इसमें बैक साइड में इस तरह से इलास्टिक लगा हुआ है, जो पहनने पर बहुत कंफर्टेबल रहता है। मुझे थोड़ा सा लूज़ आया है, आई थिंक इसे 28 साइज में मंगवाना था मुझे। इसमें भी साइड में इस तरह से जिप दिया गया है एंड एक बटन दी गई है, आप देख सकते हो इस तरह से। एंड हाँ, दोनों भी पैंट में हमें पॉकेट मिलता है, पॉकेट में आपको दिखाना भूल गई, पॉकेट मिलता है एंड इसमें कमर में इस तरह से टाइट करने के लिए एक और बैंड दिया गया है, जिससे कि हम इजीली टाइट कर सकते हैं इफ लूज़ रहा तो मुझे यह काफ़ी पसंद आया। इसकी भी जो क्वालिटी है कपड़े की बहुत अच्छी है, बट एज़ कम्पेयर मुझे वाइट वाला थोड़ा और अच्छा लगा। वो वाइट वाला ट्राउज़र पैंट मैंने 523 रुपीज़ में परचेज़ किया है एंड ये मैंने 462 रुपीज़ में परचेज़ किया है। सो दोनों भी पैंट मुझे लेकिन अच्छे लगे, पसंद आए दोनों भी। सो ये पैंट की भी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है एंड ये मेरा थर्ड है टॉप। ये टॉप मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा, ये 900 का टॉप है, पूरा एम्ब्रॉयडरी किया गया है इसमें, आप देख सकते हो हैंड में भी स्लीव्स में भी एम्ब्रॉयडरी है एंड चेस्ट पार्ट में भी पूरा एम्ब्रॉयडरी किया गया है। टॉप तो वैसे बहुत खूबसूरत है लेकिन एज अ प्राइस ये मुझे बहुत कॉस्टली लगा। इसमें इस तरह से यहाँ टेजल दिए गए हैं लेस में, वैसे तो ये मुझे कॉस्टली लगा बट दिखने में ये बहुत अच्छा है एंड इसका मटेरियल कुछ ज़्यादा हेवी नहीं है, एकदम थीन सा है, तो मैं इसे रिकमेंडेड नहीं करूँगी आपको। बाकी ये जो दो पैंट है ये बहुत अच्छे हैं, इफ़ आप परचेस करना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको वियर करके दिखाती हूँ। Thank you.
Thank you.